अपने जीवन में नहीं लगाएंगे। कलयुग में तो भगवान ने बहुत सिंपल उपाय बताया है कि नित्य प्रति श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे और उससे हमारा हृदय साफ हो जाएगा। जन्म जन्म से जो हमारे चेतना का दर्पण है, अगर सौ कितने जन्मों से साफ नहीं हुआ है, ये तो हमको भी नहीं पता है कितने जन्मों से साफ नहीं हुआ है। अब हमें मौका मिला है, इसलिए यहाँ पर आकर मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं। अब मौका मिला है, अब उस दर्पण को जो सौयों जन्मों से, हजारों जन्मों से गंदा हुआ पड़ा है, उसको साफ करते करते टाइम तो लगेगा। पहले हमें अपनी छवि साफ साफ नहीं नजर आएगी। अगर हम उस दर्पण में अपना छवि देखना चाहेंगे तो जो इतने सालों से दर्पण गंदा पड़ा है उसमें नहीं नजर आएगी, लेकिन जब वो धीरे धीरे हरि नाम से उसकी सफाई होगी तो हमें समझ में आएगा कि हम भगवान का अंश हैं, भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पर आकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में गोल 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 84 लाख योनियों में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। तो उस दर्पण की सफाई करके अपनी छवि को स्पष्ट देखकर भगवान के प्रति हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है, भगवान के प्रति हमें अपना प्रेम बढ़ाना है, क्योंकि ये मनुष्य देह कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अब मिला हुआ है तो इसको हमें खराब नहीं करना है, यही जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।